अच्छा, ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बना के बता रहा हूँ, एक हमारे फ्रेंड हैं, काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग मिले, लगभग 4 to 5 ईयर्स के बाद। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे से बोली कि यार मैंने ना ट्रेड गलत ले लिया था धर्म, अगर मैंने शायद इलेक्ट्रिकल से की जगह हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ली होती या इलेक्ट्रिकल की जगह हमने कंप्यूटर साइंस ली होती तो शायद आज मुझे पछतावा नहीं होता। तो उन्होंने अपने आप को स्विच तो किया, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए थे और कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट किया, लेकिन विल टेक टाइम, अब वही है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ा उन्हें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो ऐसे बोल रहे थे, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर पहली बार आप करियर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो होता क्या है ना, मंजर क्या है इसका कि एम क्या है इंजीनियरिंग में सही ट्रेड लेने का। देखो सही ट्रेड अगर आप नहीं लेते हो ना तो 4 साल तो आपको सही लगेगा, जब तक आप पढ़ रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तब तक आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप बीटेक पास आउट होने के करीब पहुंचोगे फिर वहां पे आपको लगेगा काश मैंने ये मिस्टेक ना की होती तो शायद मेरी लाइफ आज सेट होती। पॉलिटेक्निक आप 3 साल जब तक करते हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, लेकिन जैसे भी आप पास आउट होते हो वहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज होता है और आपको लगता है कि मैंने अपने मानव जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ, मैं हमेशा बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी ट्रेड वही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, अच्छा ट्रेड वही है जिससे आपको लगे कि आपका फ्यूचर बन सकता है। आप देखो 2 साल को या 4 साल या 5 साल को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में मत चलिए, आपका पूरा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आप सोचो ना, सिर्फ एक मिस्टेक आपका ये पूरा ह्यूमन लाइफ का जो साइकिल है वो बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर से किसी फील्ड में जाना पड़ेगा, फिर से वहाँ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको लगना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, फिर समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, समझ के स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका करियर इसी तरह से डाउन होता चला जाएगा। और एक चीज़ ये कह देता हूँ, ब्रांच और कॉलेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ब्रांच अच्छी ले ले, कॉलेज भले थर्ड क्लास का हो चलेगा, लेकिन हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली यहाँ पे है चीज़ें, अगर आप सही से ब्रांच नहीं लेते हो तो भी प्रॉब्लम है और सही कॉलेज नहीं लेते हो तो भी प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ आप लोगों से कि हमेशा ट्राई करिए कि ब्रांच वही ले जो आप इंटरेस्टेड हो, कॉलेज वही ले जिससे प्लेसमेंट हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता हो। क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेज मैंने देखे ना, बिल्डिंग के कलर बहुत अच्छे होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिल्डिंग का कलर सिर्फ 4 साल तक, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ही आपका साइन दे सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद फिर उनके तो साइनिंग होते रहेंगे, उन्हें क्या, वो तो एजुकेशन को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, उनका चलता रहेगा चीज़ें, प्रॉब्लम आपका करियर होगा, आप वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और आप बस वहीं के वहीं रह जाओगे। तो बिल्डिंग के कलर पे मत जाओ, आप वो जाओ कहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, कहाँ से आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, टॉप 20 कॉलेज कौन से हैं, टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, टॉप 100 कॉलेज वर्ल्ड वाइड कौन से हैं, तो वहाँ पे पढ़ो जहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल पे आपका करियर मूव ऑन करो। ऐसी जगह पे पढ़ने से क्या फ़ायदा, जहाँ से सिर्फ डिग्री मिल रही है, नॉलेज जीरो है, सिर्फ डिग्री गिनाई जा रही है कि हाँ आप ये कर सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, सिर्फ ये गिनवाने से काम नहीं चल पाएगा, आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेगी और समझ के उसी अकॉर्डिंग अप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो सही तरीके से सही चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सही से अपने इंजीनियरिंग फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखो ब्रांच सही से चूज करो, ब्रांच में टाइम लो, वक्त लो कि कौन सी ब्रांच आपके माइंडसेट में है, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आपका मन लगता है, कौन सा ऐसा ट्रेड है कि जिससे आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड अगर मैंने ले लिया तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। और चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, दोनों में अप्लाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बीटेक के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए अप्लाई है। और दोनों बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों लोग जो जो लोग भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं
अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज सही नहीं है, तो वहीं से आपका गोल डिसाइड कर लीजिए। आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में किस तरह से जाना, आपको गवर्नमेंट इंडस्ट्री में किस तरह जाना, एक माइंडसेट ले लीजिए और उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करिए। जब आप वो माइंडसेट ले लोगे और उस पर काम करना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, रास्ते खुल जाएंगे और वहाँ से आपका करियर बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखो, अच्छी ब्रांच लेना, अच्छी ब्रांच के साथ आगे बढ़ना, अच्छी ब्रांच के साथ आगे प्रोसीड करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और उस करियर को चूज करिए, ऐसा नहीं कि उस करियर को चूज मत करिए, उस करियर को चूज करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में सही तरीके से चूज करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेंट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।